हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आज फिर मैं एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू स्टूडेंट के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच सकें। कुछ लोग वीडियोज़ देखते हैं बट चैनल नहीं सब्सक्राइब करते, तो एक एक दिन में कई बार मैं दो वीडियो अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पर क्या है ना, आप उन वीडियोज़ को मिस कर जाएंगे। तो दोस्तों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं हमारे स्टूडेंट का नाम क्या है और आज कितने डेज हो गए और क्या करने वाले हैं। हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? श्रेयांश। श्रेयांश, कहाँ से आते हैं आप? लखनऊ, इंदिरा नगर से। इंदिरा नगर। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? YouTube से। तो आज कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? 3 डेज। और आपके साथ और भी कोई है? हाँ, मेरा दोस्त। दोनों लोगों ने साथ में ज्वाइन किया, वेरी गुड। आपका क्या नाम है? सुहेब अहमद। सुहेब, कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? आज तीसरा दिन है। तो 3 दिन के अंदर आपने क्या सीखा है 2 दिन में, कुछ बताएंगे? जी, मैंने 2 दिन में गाड़ी को फर्स्ट और सेकंड गियर में चलाना सीखा है और टर्निंग सीखी है। ओके, तो अकेले आज आपको कार दे दी, चला लोगे? जी, थोड़ी बहुत। बिंदास, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप राहुल मित्तल के पास आए हो, यहाँ डर नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है? तो आपको कितनी देर हो गई अकेले कार चलाते हुए? 20 से 25 मिनट हो गए। तो 3rd डेज के अंदर कोई भी ड्राइविंग स्कूल वाला ऐसे कार दे देगा आपको? नहीं, मैंने दे दिया है। हाँ। तो थोड़ा मुस्कुरा लो, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, गाड़ी को इट बनाना है। यहाँ निडर होके मैं गाड़ी से बाहर आ गया हूँ, ठीक है? आप आ जाओ, अगली सीट पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा देखने को मिलेगा आपको। बगल में बैठे हो तो ये नोटिस करोगे कि कैसे। तो आपको अभी ये पेड़ जो आपके बगल में, एक गोला इसका 0 लेना है, एक गोला इसका 0 लेना है, फिर 4-5 राउंड इसके, फिर उसके बाद इस पेड़ को अलग अलग तरीके से आपको इट बनाना है। जाओ बिंदास, स्टार्ट करो, ले जाओ निडर होके। बस आप ध्यान रखना, वहाँ पैर क्लच ब्रेक पे मत रखना, ठीक है? और नोटिस करते रहना बिंदास होके, अगर गाड़ी बंद हो जाती है तो वापस क्लच दबा के फिर। कितने डेज हो गए आज? 3rd दिन है, वेरी गुड। इससे पहले कभी कार चलाई थी? नहीं, कभी भी नहीं, नहीं। झटके से छोड़ा, आराम से छोड़ो, एक्साइटेड ना हो, बहुत प्यार थे क्लच को फर्स्ट टाइम, बहुत धीरे धीरे, बहुत फिर झटके से छोड़ा आपने वापस, इतना जल्दी नहीं। क्लच एड़ी नीचे रखो और पंजे को धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, वेरी गुड। तो गाइस, देखा आपने, इनको 3rd दिन है आज और 3 दिन के अंदर इन्होंने ज़बरदस्त गाड़ी चलाई है। तो गाइस, अगर कोई भी दिक्कत होती है, कभी भी ड्राइविंग से रिलेटेड आपको कोई भी इशू है तो आप मेरे पास आ जाओ, कैसा ही बंदा होगा मैं उसको ड्राइविंग सिखा दूँगा। अगर आप एक्साइटेड हैं बट आपको आना पड़ेगा, आप किसी भी स्टेट से हैं, हमारे पास रहने खाने पीने की सारी फैसिलिटीज़ हैं और कम से कम चार्ज है। अगर मान लीजिए कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि बहुत अफोर्ड नहीं कर सकता है, हमारा 3,500 रुपये चार्जेस है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता इस चीज़ को, तो दोस्तों जो भी कम से कम होगा वो मैं कर दूंगा, उसके लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प होगी, मदद होगी, वो मैं कर दूंगा। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो थोड़ा आप अपना अरेंज कर लें, जो बाकी जो फ्यूल वूल का खर्चा है वो आपको देना पड़ेगा, बाकी कोई ऐसा नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगा। तो दोस्तों आप अगर मेरे पास आना चाहें तो आप आ सकते हैं, और मेरा जो ऑफिस है ये लखनऊ में है, खुर्रम नगर चौराहा, इंदिरा नगर, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी आईडी, उस पर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस सारा कुछ मिलेगा। फिर भी मैं आपको एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बता देता हूँ, मेरा जो नंबर है 8773413, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी किसी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो गाइज़, आप देखते रहिएगा, 3rd दिन है आज इन लोगों का और मैंने फाइनली कार इनको दे दी, इन्होंने इससे पहले कभी गाड़ी नहीं चलाई है, ठीक है ना? तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार अगर आप डर गए तो फिर घर गए, डरना नहीं है बिंदास। अब थोड़ा सा गाड़ी यहाँ सीधा सीधा रोको, स्टॉप करो, एकदम सीधी रखो स्टीयरिंग, 3 और 9 पे, 3 उधर काटो, बस ज़्यादा काट दिया ये। अब न्यूट्रल करो गाड़ी को, न्यूट्रल, अब रिवर्स गियर डालो, लग गया। अब पूरा क्लच नहीं छोड़ना, थोड़ा सा क्लच छोड़ना है, थोड़ा सा गाड़ी को रिंगाना है, राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे और आपकी नज़र भी लुकिंग ग्लास में हो, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे जाने दो, बहुत धीरे धीरे जाने दो, धीरे धीरे, ब्रेक दबा के मत रखो, ब्रेक मत दबाओ, आपने ब्रेक दबा रखा इसलिए गाड़ी बंद हो गई है, धीरे धीरे, एकदम धीरे, स्टीयरिंग सीधी रखो बेटा, बस ये सीधा, एकदम धीरे धीरे जाने दो, गुड, वेरी गुड, और जाने दो, सीधा रखो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जाने दो और जाने दो, अब पूरी राइट काट दो स्टीयरिंग, जल्दी से, जल्दी जल्दी, फुल 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 काटो बेटा, रोको स्टॉप, आपने फुल नहीं काटी थी,
फिर गाड़ी बंद हो गई। एक तो क्लच आपसे पूरा नहीं दब पाता है, सीट ज़्यादा पीछे तो आप आगे कर सकते हो, अगर न्यूट्रल करो पहले गाड़ी, क्लच दबाओ, हाँ चलो अब सीट आगे करो थोड़ा, हाँ ठीक है, अब गियर डालो पहला, चलो जाओ वापस, धीरे धीरे, झटके से नहीं, बहुत धीरे धीरे क्लच छोड़ना, बहुत धीरे धीरे, जीरो की स्पीड में, गुड वेरी गुड, जाने दो। तो गाइस आपने देखा इनको आज थर्ड डेज है, थर्ड डेज के अंदर बहुत अच्छा, इन्होंने थोड़ा सा रिवर्स, सीधा लेके जाओ फिर रिवर्स लेके आना है एकदम सीधा, तो तीसरे दिन के हिसाब से बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है और बहुत अच्छी चला सकते हैं। तो आप लोग मेरे पास आ सकते हैं, कोई इशू नहीं, रहने के लिए मेरे पास रूम है और सिटी के अंदर घर है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ऑफिस भी है जस्ट मेट्रो स्टेशन के पास है, बहुत स्लो, एकदम स्लो, नज़र आपके पीछे रहनी चाहिए साइड मिरर से, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, हाँ गुड, पूरा फुल क्लच लेके धीरे से ब्रेक, गुड, स्टॉप करो, वापस न्यूट्रल करो, पहले गियर में करो इसको, फिर लेके जाओ। टाइम क्या हो रहा है ज़रा एक बार टाइम देखने दो, जाओ सीधा जाओ, हाँ रुको ज़रा, पूरा क्लच लेके ब्रेक लो गाड़ी का, कितना टाइम हुआ बेटा, 11:04, अभी 4-5 मिनट और चला लो आप, चलो कोई नहीं, धीरे धीरे, अब इसका एक राउंड 8 का बनाओ, हाँ 8 बनाओ, और प्यार से, गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम फिर दिक्कत होगी, फिर समझ रहे हो, आप ब्रेक दबाए रहते हो क्लच छोड़ देते हो, पावर ब्रेक होता है ना, बस जाने दो बिंदास, 5 मिनट बाद इनको कार दे देनी है आपको। तो गाइस आप देख सकते हैं, वैसे थोड़ा वो नर्वस हो जा रहा है क्योंकि आज थर्ड डेज है, इससे पहले कभी उसने कार चलाई नहीं है, और एक होता है ना बेसिक समझना, एक जब प्रैक्टिकल करते हैं गाड़ी में बैठते हैं तो ब्रेन काम करना बंद कर देता है, एकदम पैनिक हो जाता है इंसान, बाकी तीसरे दिन के हिसाब से बहुत अच्छी चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो आप लोग आ सकते हैं, ये देखो तीसरे दिन के हिसाब से, और स्टार्टिंग में मैं जो मेरे स्टूडेंट होते हैं उनको मैं ग्राउंड में लेके आता हूँ, जैसे ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति को मैं ग्राउंड में लेके आऊँ, कुछ स्टूडेंट हैं जिनको मैं लेके आता हूँ जो फ्री माइंड, जब भी आप कभी कार सीखें, अगर आप पर्सनल अपनी गाड़ी से सीख रहे हैं तो किसी बड़े ग्राउंड में लेके जाएं, जहां पे मतलब आपको ये टेंशन आपके माइंड में ना हो कि मेरी गाड़ी टकरा जाएगी या भिड़ जाएगी या लड़ जाएगी। कई बार माइंड में होता है कि लड़ जाएगी भिड़ जाएगी, तो वहां पे क्या होता है ना, जो करना होता है उसके बजाय कुछ उल्टा होने लगता है। तो हमेशा फ्री जगह ले जाओ, ऐसी जगह ले जाओ जहां पे एकदम नॉर्मल स्पीड से आप कार को चला सकें, डरे बिना, गाड़ी को रोकना, बढ़ाना, स्टीयरिंग को टर्न करना, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों अगर इस चीज़ को आप कर लेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपको कार समझ में आ जाएगी। तो गाइस इसी तरीके इस वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी मेरा फर्स्ट चैनल जो है लर्निंग टू ड्राइव, तो अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसको भी कर लें, और ताकि उस पर करीब 600 से ज़्यादा वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, तो बहुत ही आप प्यार से उस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब स्टॉप करो, पूरा क्लच और धीरे से ब्रेक, ठीक है, गाड़ी न्यूट्रल करो, इंजन ऑफ करो, चलो सीट बेल्ट खोलो, इधर उधर आप उधर जाके बैठ जाओ, और ये इधर आराम से, और अगर कुछ ऊंच नीचे करता है तो आप ब्रेक क्लच लेके ब्रेक ले लेना, ठीक है, आज मैं आपको ट्रेनर बना दे रहा हूँ तीसरे दिन में, गुड, मुस्कुराइए लखनऊ में, हाँ गजब, चलो बैठो ध्यान से, स्लीपर अपने निकाल देना, सीट पहले सीट एडजस्ट करो अपनी, सबसे पहले स्लीपर वहाँ से हटाओ, हाँ सीट एडजस्ट करो, बस अब क्लच दबा के देखो, पहले ज़्यादा पीछे नहीं करना है क्योंकि आपने बचपन में बॉर्नविटा पिया नहीं, इसलिए हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं है। चलो अब राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, पहले ब्रेक पे, सीट बेल्ट कौन लगाएगा, इतनी जल्दबाजी किस बात की भाई, हाँ उसको खींचो ऊपर वाले को, और खींचो, हाँ बस अब उसको लॉक को उसमें फंसाओ, थोड़ा और खींच लो आराम से थोड़ा सा, हाँ बस चलो लगा लो, हो गया। अब पहले शीशे उसे सेट कर लो, देखो दिख रहा है प्रॉपर आपको, एक्सीलेटर को टच ही नहीं करना है, गलती से भी आपका पैर एक्सीलेटर पे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हम बाहर हैं, जिम्मेदारी आपकी होगी, नीम हकीम खतरे की जान। राइट वाला पैर कहाँ है, ब्रेक पे, हाँ पूरा क्लच दबा के इंजन ऑन करो, ऑन करो, बस अब पहला गियर डालो, बस अब धीरे धीरे क्लच छोड़ना, एकदम धीरे धीरे भाई, ध्यान रखना इनका, ठीक है, बस एकदम धीरे धीरे, बस जैसे ही वो चला रहा था ना एट बनाना, एकदम धीरे धीरे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलो गुड, जाने दो। तो गाइज़ आपने देखा
पहला स्टूडेंट तो उसका फाइनल हो गया, सेकंड स्टूडेंट आ गया, वो थोड़ा डरता है बहुत ज़्यादा, उसकी हाइट भी कम है इस वजह से थोड़ा सा नर्वस हो रहा है, बट अच्छी चला रहा है अभी। इनको आज थर्ड डे हुआ है तो थर्ड डे के हिसाब से मैं कल इनको मैंने ट्रैफिक में चलवाया, परसों उससे पहले मैं इनको लेके आया था पिकनिक स्पॉट वाले एरिया में, वहाँ पे भी मैंने इनको ग्राउंड में गाड़ी दी थी। तो फर्स्ट डे जो कुछ चीज़ें जो क्लियर हो जाती है ना, उसके बाद तो फिर बहुत आसान हो जाता है कार को चलाना। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। और आप देख सकते हैं कि जो दूसरा वाला स्टूडेंट मेरा है वो भी बहुत अच्छी कार चला रहा है, नो डाउट, देख रहे हैं। डरना नहीं है बेटा, एकदम कूल होके चलाना बिंदास, जो डर गया वो घर गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो गाइस आप देख सकते हैं कि फाइनली स्टूडेंट बहुत अच्छी कार चला रहा है, और आज तीसरे दिन के हिसाब से बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मैं इसको कहूँगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैं लोगों को सिखाता हूँ, गाइड करता हूँ, उस हिसाब से थर्ड डे के हिसाब से अकेले कार को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। जय हिंद, वंदे मातरम, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।